मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे करने पर कांग्रेस ने काला दिवस घोषित कर प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेसियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए जिसे भारतीय संविधान में काला दिवस घोषित किया है। मंगलवार को नगर बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुभाष बहोत के नेतृत्व में पठारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन कर काले झंडे दिखाए। कांग्रेस कमेटी ने भाजपा प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण करने पर काले झंडे दिखाकर काला दिवस घोषित किया है। सुभाष बहोत ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र और अमर्यादित नीति को अपनाकर प्रदेश की जनकल्याणकारी कांग्रेस सरकार को गिराकर भारतीय संविधान में कलंकित स्थान प्राप्त किया है। भाजपा ने केवल कांग्रेस की सरकार को ही नहीं बल्कि जनादेश और मनोबल को भी गिराया है, जिसका जनता आने वाले उपचुनाव में हिसाब चुकता करेगी। भाजपा ने हमेशा ही तोड़फोड़ और षड्यंत्रों की राजनीति की है, खरीद फरोख्त कर प्रदेश की राजनीति को अस्थिर बनाया है, जिसका असर वर्तमान प्रदेश सरकार में नजर आ रहा है। इस दौरान सुभाष बहोत के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज अपना जो है ये कार्यक्रम प्रजातंत्र की हत्या के तो हो जाए अपना मतलब नहीं, बिल्कुल काले झंडे दिखाकर शिवराज सिंह चौहान जी की 3 महीने पुरानी सरकार का विरोध हमारी तरफ से है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। मेरे आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश में आप सब ने देखा है, शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और उनके साथ 22 विधायकों को जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाने के लिए ले गए हैं। मध्य प्रदेश में ये नंगा नाच शिवराज सिंह चौहान जी का दिल से देखा है। एक एक आदमी, मजदूर, किसान, भाई, बहन, युवा, हर आदमी ने शिवराज सिंह चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी का ये कृत्य देखा है। इससे नफरत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है। जब से भाजपा की सरकार आई है, मजदूर, किसान, माता, बहनें बहुत दुखी हो गई हैं। हर जगह हाहाकार मचा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, माता बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बेलगाम हो चुकी है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी का, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का निर्देश था कि पूरे मध्य प्रदेश में हम काले दिवस के रूप में मनाएं, तो पठारी की ऐतिहासिक धरती पर आज हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी नौजवान साथियों ने जो आज विरोध प्रदर्शन काले झंडे दिखाकर किया है, हम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वह एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के नकारापन का विरोध करें और हमें विश्वास है कि आगामी 24 जो उपचुनाव संपन्न हो जाएंगे तो इससे पुनः हमारी सरकार आएगी और रुके हुए सारे काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।